ज्योतिष शास्त्र में अनेकों राजयोगों का वर्णन किया गया है। ऐसे राजयोग जो कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बनते हैं तो जातक को सुख समृद्धि और सफलता से परिपूर्ण जीवन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, किंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जातक की जन्म कुंडली में कई राजयोग होने के बाद भी जातक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा होता है। और दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जाता है कि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग ना होने पर भी जातक एक सामान्य से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन है। इन 12 राशियों में सिंह राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है जो कि समस्त प्रकार के राजयोगों का निर्माण करने में सक्षम है। अगर जन्म कुंडली में सिंह राशि एक्टिव है तो जातक की जन्म कुंडली में कोई राजयोग बन रहा हो या ना बन रहा हो, जातक को फिर भी राज सुख प्राप्त होता है, जातक को एक अच्छा स्टेटस प्राप्त होता है। वहीं जन्म कुंडली में एक से एक बढ़कर राजयोग बन रहे हो किंतु सिंह राशि पीड़ित हो, सिंह राशि बलहीन हो, तो ऐसे में जातक को जरूरी नहीं कि उसके जन्म कुंडली में बन रहे राज योगों का सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसमें ना तो कोई ग्रह कभी उच्च होता है ना ही कोई ग्रह कभी नीच होता है। ये सभी ग्रहों को समान रूप से बल प्रदान करती है, और क्योंकि ये सूर्य की राशि है जो कि राजसिक सुख का कारक ग्रह है, इसलिए इस राशि में बैठने वाले हर ग्रह को राज सुख प्राप्त होता है। सिंह राशि राज दरबार की राशि कही गई है। अगर आप राज दरबार शब्द से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सिंह राशि राजयोग कारक राशि है। देखिएगा, राज दरबार में कोई भी जाए वो किसी भी स्थिति में राजा से ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए इस राशि में कोई भी ग्रह कभी उच्च नहीं होता। और क्योंकि अगर आप राज दरबार में खड़े हैं तो आपका स्टेटस अपने आप में बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई ग्रह किसी भी खराब स्थिति में भी बैठा है तो वहाँ पर उसे बल प्राप्त होगा ही होगा। आप ऐसा मानकर चलिएगा, अगर पीएम ऑफिस का एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भी है, पीएम ऑफिस का जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है, तो उसका भी स्टेटस एक सामान्य व्यक्ति से कितना ऊंचा होगा, क्योंकि वो राज दरबार में काम कर रहा है। इसी तरह से सिंह राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे बल प्राप्त होता ही होता है। गुरु जब सिंह राशि में बैठता है तो यहां पर राजमंत्री पद का निर्माण करता है, राज पुरोहित पद का निर्माण करता है, राज शिक्षक पद का निर्माण करता है। फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में एक मंत्री की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक पुरोहित की तरह स्टेटस प्राप्त होता है। फलस्वरूप जातक का जन्म ऐसे परिवार में होता है जिसका स्टेटस बहुत ही बढ़िया है। मंगल अगर सिंह राशि में बैठा है तो यहाँ पर राज सैनिक और सेनापति की भूमिका निभाता है। यहाँ पर मंगल आर्मी कमांडर की भूमिका निभाता है, इसलिए जब भी मंगल सिंह राशि में बैठता है तो ऐसे जातक को एक बढ़िया सोशल इमेज देता है, विशेषतः आर्मी पुलिस या पॉलिटिशियन लोगों के बीच में उनसे कनेक्शन प्रदान करता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर जन्म कुंडली के छठे दसवें या लग्न में सिंह राशि आ रही है और वहाँ पर मंगल बैठा है तो जातक को आर्मी पुलिस जैसे प्रोफेशन में, आईएएस पीसीएस जैसे प्रोफेशन में एक कमांडिंग पोजीशन में मंगल ले जाता है। अगर शुक्र सिंह राशि में बैठा है तो यहाँ पर राजकोष, राजमुद्रा और राजपुत्री योग का निर्माण करता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र सिंह राशि में बैठा है तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही बढ़िया परिवार से होगी, और अगर किसी महिला की जन्म कुंडली में शुक्र सिंह राशि में बैठा है तो ऐसी महिला का पालन पोषण एक राजकुमारी की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर राजपुत्री योग का निर्माण करता है। शुक्र अगर सिंह राशि में बैठा है तो जातक के लिए सरकारी माध्यमों से आय के स्रोत खोल देता है, धन के स्रोत खोल देता है। बुध अगर सिंह राशि में बैठा है तो यहाँ पर राजवक्ता, राजलेखक का योग बनाता है, राजकुमार का योग बनाता है। इसलिए जब बुध सिंह राशि में बैठता है तो ऐसे लोग अगर अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करें या कम्युनिकेशन से
या अपने लेखन से कुछ भी अगर कार्य करें तो वहाँ पर इन लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के थ्रू बहुत ही बढ़िया लाभ होने की संभावना होती है। चंद्र सिंह राशि में बैठकर राजरानी योग का निर्माण करता है, महारानी योग का निर्माण करता है। फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल सक्सेस मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जातक के जीवन में कोई ना कोई महिला ऐसी होती है जो कि एक बड़े पद वाली, बड़े प्रभाव वाली होती है और उस महिला की सहायता से जातक अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। सूर्य अगर सिंह राशि में बैठा है तो सूर्य क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है तो ऐसे में जातक को हर प्रकार के राजसी सुख स्वयं में प्रदान करने में सक्षम होता है। शनि अगर सिंह राशि में बैठता है तो यहां पर राज सेवक योग का निर्माण करता है, राज कर्मचारी योग का निर्माण करता है। फलस्वरूप ऐसे जातक किसी गवर्नमेंट जॉब में देखे जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं या फिर ऐसे जातकों की कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स गवर्नमेंट से जुड़ जाता है। राहु अगर सिंह राशि में बैठा है तो यहाँ पर राज दरबार योग का निर्माण करता है। फलस्वरूप जातक को कहीं ना कहीं ऐसा काम अपनी लाइफ में मिलता है जिससे कि उसका बड़े ऑफिसेज में या बड़े लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। कहीं ना कहीं उसका सरकारी दफ्तरों में आना जाना लगा रहेगा, चाहे वो जॉब के पर्पस से हो या फिर किसी अन्य पर्पस से हो। राहु जब सिंह राशि में बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि जातक का दादा कहीं ना कहीं किसी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ होता है और दादा के नाम और स्टेटस से जातक को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। केतु जब सिंह राशि में बैठता है तो राजध्वज योग का निर्माण करता है। फलस्वरूप जातक को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है और अगर जन्म कुंडली में दशम भाव बली है, शनि बली है, सूर्य भी बली है तो ऐसे में जातक को लाल बत्ती की गाड़ी देने में सक्षम होता है, अर्थात एक बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने में सक्षम होता है या फिर एक बड़ा ही प्रभावशाली पॉलिटिशियन बनाने में सक्षम होता है। तो इस तरह से अगर जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं बन रहा हो और अकेली सिंह राशि बली हो तो जातक को समस्त प्रकार के राजयोगों का, राजसुखों का फल मिलता है। सिंह राशि जन्म कुंडली के किस भाव में किस योग का निर्माण करती है, किस प्रकार के राजयोग के फल प्रदान करती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।